भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, जहां आस्था और विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे खास मंदिर की, जो मुंबई की शान कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर की, जिसका अगर नाम ना लिया जाए तो यह बेमानी होगी। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर अपने आप में काफी अद्भुत और आस्था का प्रतीक है। देश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और काफी सुकून पाते हैं। मुंबई के भुला भाई देसाई मार्ग पर समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर की सुंदरता अवर्णनीय है। यहाँ पहुंचकर ही आपको असीम शांति मिलती है। इस आकर्षक मंदिर के पीछे भी एक अनोखी घटना छुपी हुई है। बताया जाता है कि बहुत समय पहले मुंबई में वर्ली और मालाबार हिल को जोड़ने के लिए दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था। सैकड़ों मजदूर इस दीवार के निर्माण कार्य में लगे हुए थे, मगर हर दिन कोई ना कोई बाधा आ रही थी। इसके कारण ब्रिटिश इंजीनियर काफी परेशान हो गए। इतनी मेहनत के बावजूद दीवार खड़ी नहीं हो पा रही थी। कई बार तो पूरी की पूरी दीवार ढह गई थी और बहुत सी बार मजदूरों को चोट भी लग रही थी। समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच इस प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता ने एक अनोखा सपना देखा। सपने में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और कहा कि वर्ली में समुद्र के किनारे मेरी एक मूर्ति है, उस मूर्ति को वहां से निकालकर समुद्र के किनारे ही मेरी स्थापना करो। ऐसा करने से हर बाधा दूर हो जाएगी और वर्ली मालाबार हिल के बीच की दीवार आसानी से खड़ी हो जाएगी। मुख्य अभियंता को काफी आश्चर्य हुआ। उसने मजदूरों को स्वप्न के बारे में बताया और उस स्थान तक ले जाकर कहा कि उस मूर्ति को ढूंढो, और मूर्ति को ढूंढने का आदेश भी दिया। आदेश अनुसार कार्य शुरू हुआ। थोड़ी मेहनत के बाद ही महालक्ष्मी की एक भव्य मूर्ति उन्हें प्राप्त हो गई। यह देखकर स्वप्न पाने वाले अभियंता का शीश नतमस्तक हो गया। पहले वह असमंजस में था कि पता नहीं सपने की बात सच है या नहीं, लेकिन मूर्ति मिलते ही वह सपना उसे हकीकत लगने लगा। माता के अनुसार समुद्र किनारे ही उस मूर्ति की स्थापना की गई और छोटा सा मंदिर बनवाया गया। मंदिर निर्माण के बाद वर्ली मालाबार हिल के बीच ही दीवार बिना किसी विघ्न बाधा के खड़ी हो गई। इस पर प्रोजेक्ट में शामिल लोगों ने सुकून की सांस ली। ब्रिटिश अधिकारियों को भी दैवीय शक्ति पर भरोसा करना पड़ा। इसके बाद तो इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सन 1831 में धाकजी दादाजी नाम के एक व्यवसायी ने छोटे से मंदिर को बड़ा स्वरूप दिया और इसका जीर्णोद्धार कराया गया। समुद्र किनारे होने के कारण मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आपको महालक्ष्मी के अलावा महाकाली और महालक्ष्मी की भव्य प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। तीन प्रतिमाओं को सोने की नथ, सोने की चूड़ियां और मोतियों के हार से सजाया गया है। इन प्रतिमाओं के दर्शन से ही चित्त भाव विभोर हो जाता है। इस मंदिर में महालक्ष्मी को शेर पर सवार दिखाया गया है, जो महिषासुर का वध कर रही है। मंदिर में एक दीवार है जहां आपको बहुत सारे सिक्के चिपके हुए मिलेंगे। कहा जाता है कि भक्तगण अपनी मनोकामनाओं के साथ सिक्के चिपकाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा।